नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आज आपके एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके चारों तरफ बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे, उससे भली भांति परिचित होंगे। और ये जीरोफिटिक प्लांट्स में आता है। जीरोफिटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कम पानी में पाए जाते हैं, ज़्यादातर कटीले होते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये अपुंसिया का पौधा है जिसे आप नागफनी कहते हैं या ब्रजकंटका कहते हैं, कहीं कहीं पर कंथकारी कहा जाता है। ये पौधा बहुत ही गुणकारी है, बहुत सी बीमारियों में काम आता है। इसे नाक फनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो तना है, ये देखिए नाक की तरह है या लीफ है जो नाक की तरह है, इसलिए इसको नाक फनी कहा जाता है। नाक फनी बहुत ही गुणकारी है, ये कम पानी वाले जगह पे पाई जाती है। इसका साइंटिफिक नेम अपुंसिया इलेटी है, अपुंसिया इलेटी कहा जाता है इस पौधे को। इसकी फैमिली जो है कैक्टेसी है। ये आप कहीं पे सूखे स्थानों पर बांस के पास या बसवार के पास अक्सर इसे लगा देखेंगे। कंकर पत्थर में ये ज़्यादा उगती है और बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, बहुत कम पानी में आसानी से रह लेती है। इसे पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसके पूरे तने पर पे कांटा पाया जाता है। और ये औषधीय गुणों से भरपूर है, इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इसको यूज एज ए सलाद कर सकते हैं, आप इसके जूस को पी सकते हैं, आप 20 से 30 ml तक इसके जूस को पी सकते हैं, इसका सलाद खा सकते हैं 100 ml तक खा सकते हैं, और इसके चूर्ण को 2 से 4 ग्राम तक खा सकते हैं। ये थुअर फैमिली का एक मेंबर है, थुअर स्पीसीज में ही आता है या थुअर की प्रजातियों में एक है। इसको नोपल कैक्टस कहा जाता है बहुत सारी कंट्रियों में। इसकी जेली बनती है और आपका कैंडी बनती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर्स बहुत हैं, विटामिन्स बहुत हैं, मिनरल्स बहुत हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। पुराने ज़माने में इससे लोग इसके कांटे से कान छेदते थे क्योंकि ये बहुत एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता था। इससे कान छेदने पर कभी पकता नहीं था कान। अब भी माताएँ बहनें गाँव में अपना कान छेदने का काम, जो कड़ भेदन का काम है, वो करती हैं। ये पेट साफ़ करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके दूध को अगर बतासे में डाल के लिया जाए तो ये रेचक के तौर पे काम करता है। अगर सूजन आपके शरीर में कहीं हो तो इसके पत्तों को काट के उसको दो फाल करके उस पर घी या तेल लगा करके, हल्दी लगा करके अगर बांध देते हैं तो सूजन पूरी तरीके से सही हो जाती है। हाइड्रोसील के केस में अगर हाइड्रोसील का सूजन है तब भी आप उसी तरह बांधेंगे, इसको फाड़ करके तेल में सेक करके बांधेंगे तो सूजन को खींचने में इसका बहुत बड़ा रोल है। नागफनी का जो फल है वो बड़ा प्यारा दिखता है, इसमें फूल भी निकलते हैं वाइट कलर के, लाल कलर के, बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो लोग इसे गमलों में भी लगाने लगे हैं इसकी ढेर सारी प्रजातियों को, क्योंकि ये देखने में तो अच्छा है। और आप इसको आसानी से सूजन पे बांधिए, कान में पस होने पर इसके तने को या लीफ को काट लेने पर दो बूंद इसका रस निकाल के दो बूंद कान में डालते हैं तो पस निकलना बंद हो जाता है। ये एंटी कैंसरस होता है क्योंकि एंटी कैंसरस होने का वजह यह है कि बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये उनको नहीं बनने देता है। बहुत ही बेहतरीन दवा है कैंसर पेशेंट्स के लिए। और इसके साथ साथ लीवर में किसी प्रकार की समस्या हो, स्प्लीन बढ़ गई हो, तो आप इसके रस को, इसके सलाद को ले सकते हैं। इसके आप इस हरे भाग को छीलेंगे तो वाइट फाइब्रस इसके अंदर होता है, टिश्यूज होती हैं, फाइब्रस टिश्यूज होती हैं, उन टिश्यू को आप एज ए सलाद यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर काम करता है। आपको चूर्ण इसका अगर लेना है तो 1 से 2 ग्राम लेना है, जूस लेना है तो 15 से 20 ml तक लेना है, आप इसे ले सकते हैं। कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है, पीलिया में और स्प्लीन बढ़ने पर बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको ओबिसिटी की समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके शरीर में शर्करा अनियंत्रित हो गई हो, टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज में बहुत बढ़िया काम करता है, एक कोलाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या में बहुत अच्छा काम करता है, हाइड्रोसील के केस में बहुत अच्छा काम करता है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी रखता है ये पौधा, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, सूजन के लिए तो बहुत अच्छा है। सूजन के लिए गाँव में इसको बहुत लोग बांधते हैं, अभी भी बांधते हम देखे हैं। और घाव ना भरने पर इसको दो फाल में करके उसमें हल्दी डाल के घाव पे लगाते थे और वो घाव भर जाती थी, बहुत चमत्कारिक तरीके से कम समय में घाव भर जाती थी और सूजन भी बहुत आसानी से चली जाती थी। दादी और बाबा
घाव लगने पर इस चीज़ को बांधते थे, तब हमें इसके बारे में पता नहीं था। जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें पता लगा कि औषधियों बहुत कारगर है, बस उसको जानिए और एक सही मात्रा में यूज करिए। फाइबर से भरपूर और बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, फोड़ों पे बहुत अच्छा काम आता है। इसका चटनी बना करके आप अगर फोड़ों पे लगा देते हैं तो फोड़ा कैसा भी हो फूट जाता है। और इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, हड्डियों के लिए बहुत गुणकारी है, हृदय के लिए बहुत गुणकारी है। इसका छार बनाया जाता है, इसको सुखा करके अगर हम जला लें, जलाने के बाद अगर छार बनाएं तो आधा चम्मच अगर सुबह शाम खाएंगे तो ये छार हृदय के लिए बहुत अच्छा है, हाइड्रोसील के लिए बहुत अच्छा है, फोड़े फुंसियों के लिए बहुत अच्छा है, चर्म रोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप इसके जेली को, इसके कैंडी को, इसके रस को आप यूज कर सकते हैं, ओबिसिटी को घटा सकते हैं, प्रोस्टेट की समस्या को घटा सकते हैं, हैंगओवर की समस्या को घटा सकते हैं, स्प्लीन और लीवर की समस्या को घटा सकते हैं, हेमोराइड की समस्या हो, बवासीर की समस्या हो तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको नोपल कैक्टस कहा जाता है, इसके जेली बनते हैं, कैंडी बनते हैं, बहुत सारे देशों में इसकी ढेर सारी रेसिपीज बनती हैं। इसको तवा पे भून कर भी खाया जाता है, इसका हमने टेस्ट लिया है, कसाला होता है, काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत अच्छा होता है, आपको एनर्जेटिक फील कराता है। तो आप इस औषधि को आसानी से यूज कर सकते हैं। ये थूजा फैमिली की या कैक्टस फैमिलीज की है, कैक्टस ही एक इसकी फैमिली है, थूजा की प्रजाति है। आप इसके दूध को अगर बतासे में लेते हैं तो ये एज ए लैक्जेटिव काम करता है। तो आप इसको ले आइए अच्छे वैद्य की सलाह से, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके यूज करिए। कैंसर के पेशेंट में इसका चमत्कारिक प्रयोग है, कैंसर वाले पेशेंट को इसका जूस ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देता है जिससे कैंसर की ग्रोथ कम हो जाती है और आपके लिए बहुत लाभदायक काम करता है। इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, जहाँ कम पानी पाया जाता है इसके पूरे तने भर काटे हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत सावधानी के साथ इसे आप काट सकते हैं, कांटे को हटा करके इसके ऊपरी भाग को हटा दीजिए, फिर वाइट इसमें जो पार्ट है उसको सलाद के रूप में आप प्रयोग करिए। स्वस्थ रहिए, इसकी निश्चित मात्रा यूज करिए, अच्छे वैद्य की सलाह से यूज करिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।